हाय टू ऑल ऑफ यू. दिनेश जोशी दिस साइड फ्रॉम एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज. आज जो हमारा टॉपिक है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के आईपीओ का है. बाजार अपने नए रिकॉर्ड हाई बना रहा है और साथ में आईपीओ का भी रुझान काफी अच्छे से बढ़ता जा रहा है. कुछ एक आईपीओ को छोड़कर बाजार में सभी आईपीओ ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. तो बात है आज के न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के आईपीओ की. कंपनी आईपीओ के जरिए लगभग 9600 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है. ओफेस के जरिए 7680 और फ्रेश इश्यू से 1920 करोड़ रुपए जुटा रहा है, जिसका इस्तेमाल कंपनी अपनी ग्रोथ एक्सपेंशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए पूंजी की आवश्यकता पूरा करने के लिए करेगी. कंपनी ने जो अपना पाइपलाइन निश्चित किया है वो है 770 रुपए से लेके 800 रुपए तक और सब्सक्रिप्शन ओपन होगा 1 नवंबर से 3 नवंबर तक. कंपनी जो इसका लॉट साइज रखा है वो 18 शेयर्स का और रिटेल डिस्काउंट भी दिया गया है अपने रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो कि 30 रुपए रखा गया है. न्यू इंडिया इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट्स और मार्केट शेयर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के आधार पर सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है. कंपनी को कारोबार का ज्यादातर हिस्सा जनरल इंश्योरेंस के सेगमेंट मोटर व हेल्थ इंश्योरेंस की योजनाओं से हासिल होता है. इसका कारोबार देश में काफी अच्छे तरह से फैला हुआ है. कारोबार का करीब 42% हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट से मिलता है जो अपेक्षाकृत उच्च लागत के ढांचे की ओर इशारा करता है. अगर मैं बात करूं कंपनी के प्रीमियम की साइड तो मार्च 17 में कंपनी का जो प्रीमियम था वो था लगभग 17674 रुपए और मार्च 16 में जो रहा था 15215. और इसके बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की 738 करोड़ रुपए मार्च 2017 में देखे गए थे और मार्च 16 में 268 रहे. प्रॉफिट की बात करूं तो 857 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए थे मार्च 2017 में, जो कि लिहाजा मार्च 16 से थोड़ा सा कम था. 961 करोड़ रुपए कमाए थे कंपनी ने मार्च 16 में. हाल ही में कंपनी ने रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कीमतों में बढ़ोतरी की है. इसका असर वित्त वर्ष फाइनेंशियल 18 में देखने को मिल सकता है और हो सकता है आगे भी अच्छा ही इशारा करती है कंपनी, मतलब अपने रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कीमतों को बढ़ाने से देख सकती है. कंपनी के पीयर कंपैरिजन में अगर देखें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ही इसका पीयर कंपैरिजन है जो कि अपने आरएचपी में दिखाया गया है. प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स के लिहाज से द न्यू इंडिया इंश्योरेंस का प्रॉफिट्स काफी अच्छा है जो कि लगभग 857 करोड़ रुपए है और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का था लगभग 641 करोड़. मल्टीपल के हिसाब से देखूं तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस का मल्टीपल है पी मल्टीपल है 76 का और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का है लगभग 52 का. तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है. बात करूं इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की, प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से अपना जो इंश्योरेंस का न्यू इंडिया इंश्योरेंस वो है 4.47 और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का है 8.24. बुक वैल्यू के मुकाबले में न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने बाजी काफी आगे मार ली है, वो है 178 रुपए की बुक वैल्यू और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की है लगभग 82 की. तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से मुझे ये आईपीओ तो काफी अच्छा लगता है. रेटिंग हमारी एसएमसी की तरफ से 5 में से इसको 3.5 स्टार रेटिंग दी जाती है. थैंक यू सो मच.